नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं अंशिकी जड़िया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां हम आपको देंगे बॉलीवुड जगत की आज की 10 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म आदिपुरुष देखने के बाद से फैंस की तरफ से कई शिकायतें सामने आई हैं। फिल्म में प्रभास राम जैसे नहीं दिख रहे, तो रावण का किरदार निभा रहे सैफ अली खान ने भी लोगों को निराश करा है। लोगों का कहना था कि मॉडर्न बनाने के चक्कर में राम और रावण जैसे किरदारों को अजीब बना दिया गया है। अब इंस्टाग्राम पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिस्ट ने इसी का तोड़ निकाला है। उन्होंने AI टूल्स के जरिए आदिपुरुष के किरदारों को अलग ढंग से बनाया है, जिससे वो मॉडर्न भी दिखें और वास्तविकता के करीब भी रहें। अबू शाहिद नाम के आर्टिस्ट ने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटो शेयर करी हैं। शाहिद की बनाई गई ये फोटोज इंटरनेट पर वायरल हो चुकी हैं। लोगों का कहना है कि फिल्म से ज़्यादा बढ़िया किरदार तो इस इंस्टाग्राम यूज़र ने बना दिए हैं। लोगों का यहाँ तक कहना है कि इसके पास अगर फिल्म के जितना बजट होता तो पता नहीं क्या कर डालता। बता दें कि ये फोटो सामने आने के बाद से ही लोगों को काफ़ी पसंद आ रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना जल्द रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल में नजर आने वाली हैं। साल भर से फिल्म की कास्ट इसकी शूटिंग कर रही है। कई बार शूटिंग सेट से रणबीर और रश्मिका की फोटोज और वीडियोस भी वायरल हो चुकी हैं। वहीं अब रणबीर और रश्मिका ने अपनी फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है, जिसकी एक झलक एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी है। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर 4 तस्वीरें शेयर करी हैं, जिसमें पहली फोटो में रणबीर अपने एनिमल वाले लुक में ही नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी फोटो में एक्ट्रेस फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के साथ पोज करती नजर आ रही हैं, तो वहीं तीसरी और चौथी तस्वीर में फिल्म की पूरी कास्ट नजर आ रही है। इन फोटोज के कैप्शन में उन्होंने लिखा है, मेरे दिल के टुकड़े। बता दें कि अभिनेत्री के इस पोस्ट को काफी पसंद किया जा रहा है। अब बात करें एनिमल की, तो ये फिल्म इसी साल 11 अगस्त को रिलीज होगी। बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म मेकर करण जौहर का फिल्म इंडस्ट्री में बहुत योगदान रहा है। कुछ कुछ होता है से लेकर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 तक करण जौहर ने हिंदी फिल्मों की ऑडियंस को अनगिनत फिल्में दी हैं। उन्हें इस साल फिल्म इंडस्ट्री में 25 साल पूरे हो जाएंगे, तो वहीं सोमवार का दिन करण जौहर के लिए काफ़ी खास दिन रहा, क्योंकि इस दिन करण जौहर को ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर से उन्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अहम योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। इस बात की जानकारी करण जौहर ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए फोटो शेयर करते हुए दी है। साथ ही साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है, आज का दिन इतना खास रहा। लंदन में ब्रिटिश हाउस ऑफ पार्लियामेंट में बैरोनेस वर्मा द्वारा सम्मानित किए जाने पर मैं भाग्यशाली और अत्यंत आभारी हूँ। हमने फिल्म उद्योग में एक फिल्म निर्माता के रूप में अपना 25वां वर्ष मनाया है, और मैंने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का टीजर भी लॉन्च किया। निर्माता का ये पोस्ट काफी तेजी से वायरल होता नजर आ रहा है। तमन्ना भाटिया, नीना गुप्ता, विजय वर्मा, मृणाल ठाकुर और काजोल की लव स्टोरी 2 पिछले काफी समय से सुर्खियां बटोर रही हैं। अब तक इस सीरीज का पोस्टर और टीजर रिलीज हो चुका है। टीजर देखने के बाद फैंस इसके ट्रेलर का काफी बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। ऐसे में अब फैंस का इंतजार खत्म हो गया है। एक्ट्रेस काजोल ने एक पोस्ट शेयर कर बताया है कि कब उनकी सीरीज का ट्रेलर आने वाला है। काजोल ने अपने इंस्टाग्राम पर लव स्टोरीज 2 का नया पोस्टर शेयर किया है, जिसमें उनके साथ एक्टर कुमुद मिश्रा भी नजर आ रहे हैं। इस नए पोस्टर पर ट्रेलर का रिलीज डेट का खुलासा कर दिया गया है। पोस्टर के अनुसार बात करें तो लव स्टोरीज 2 का ट्रेलर आज ही रिलीज कर दिया जाएगा, और इसके रिलीज डेट की बात करें तो लव स्टोरीज 2 29 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। बॉलीवुड के जाने माने स्टार अनुपम खेर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अब कुछ ही दिन पहले एक्टर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए एक ऐसा वादा किया है जिसने लोगों का दिल जीत लिया है। अनुपम खेर और सतीश कौशिक की बेटी वंशिका कौशिक का वीडियो आते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। इस वीडियो के दौरान वंशिका कौशिक अपने बारे में काफी कुछ बोलती नजर आ रही हैं। इस दौरान अनुपम खेर ने पूछा कि क्या आप एक्ट्रेस बनना चाहती हैं? अगर आप कभी भी एक्ट्रेस बनना चाहेंगी तो मैं आपको लॉन्च करूंगा। अनुपम खेर के इस वादे को सुन फैंस गदगद हो गए हैं और दोस्ती की मिसाल देते नजर आ रहे हैं। वंशिका कौशिक और अनुपम खेर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से शेयर किया जा रहा है। अनुपम खेर के इस वीडियो पर फैंस भी जमकर कमेंट करते नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की नाते नव्या नंदा यूं तो लाइमलाइट से कोसों दूर रहती हैं, लेकिन अक्सर उनके फोटोज और वीडियोस इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो जाते हैं। अब हाल ही में नव्या नंदा का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में नव्या नंदा हेल्थ केयर से लेकर कानून की जानकारी और घरेलू हिंसा को लेकर बात करती नजर आ रही हैं। हालांकि वीडियो में देखा जा सकता है कि नव्या नंदा इंटरव्यू में हिंदी में बात कर रही हैं।
वीडियो में अमिताभ बच्चन की नातिन की हिंदी को सुनकर फैंस भी इम्प्रेस हो गए हैं। इस वीडियो में नव्या नंदा कह रही हैं, एक चीज़ के बारे में मैं बार बार सुनती हूँ कि आप बहुत ही यंग हैं, आप लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो हमेशा एक सवाल आता है कि अरे आप सिर्फ 25 साल की हो, आपको क्या एक्सपीरियंस है लाइफ का। नव्या नंदा के इस वीडियो पर फैंस खूब कमेंट्स भी कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। टीवी से लेकर बड़े पर्दे तक धमाल मचाने वाले मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा का शो द कपिल शर्मा शो पिछले कई वर्षों से लोगों का मनोरंजन करता आ रहा है। इसके हर सीजन के लिए फैंस उत्साहित रहते हैं, लेकिन पिछले काफी समय से खबरें आ रही हैं कि द कपिल शर्मा शो जल्द ही ऑफ एयर होने जा रहा है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कॉमेडी शो का आखिरी एपिसोड गदर 2 के कलाकार सनी देओल और अमीषा पाटिल के साथ होगा। एक मीडिया संस्थान को द कपिल शर्मा शो के सूत्र ने बताया है कि टीम ने इस सीजन के आखिरी एपिसोड को लगभग अंतिम रूप दे दिया है। सीजन का आखिरी एपिसोड या तो 2 जुलाई या फिर 9 जुलाई को प्रसारित होगा। इसके अलावा द कपिल शर्मा शो का टाइम स्लॉट इंडियाज गॉट टैलेंट को दिया जाएगा, जिसमें शिल्पा शेट्टी, किरण खेर और बादशाह मेहमान जज बने दिखाई देंगे। रामानंद सागर की रामायण ने लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। 1987 में आए इस माइथोलॉजिकल शो के भगवान राम से लेकर माता सीता से और अलग अलग किरदार निभाने वाले एक्टर्स को आज भी फैंस का उतना ही प्यार मिलता है। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए आदि पुरुष पर चल रहे विवाद पर रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने बातचीत में कहा, मनोज मुंशी हिंदू धर्म के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि वो इस तरह के संवादों की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं। ये शायद उनकी गलतफहमी है कि आज की युवा पीढ़ी इसे पसंद करेगी। आप दर्शकों के साथ ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा मत कहिए कि ये फिल्म वाल्मीकि की रामायण पर ही आधारित है। बता दें कि प्रेम सागर की स्टेटमेंट के सामने आने के बाद हर कोई उन्हें समर्थन देता नजर आ रहा है। सनी देओल और अमीषा पटेल गदर 2 को लेकर खबरों में बने हुए हैं। फिल्म कुछ महीनों में ही रिलीज होने वाली है, ऐसे में दोनों स्टार्स गदर 2 के प्रमोशन में जुड़े हुए हैं। इसी बीच सनी पाजी गदर 2 के तारा सिंह के अवतार में नजर आए, उनके साथ अमीषा पटेल भी दिखाई दी हैं। दोनों को साथ देख फैंस के चेहरे भी खिल उठे हैं। गदर 2 की रिलीज के पहले ही तारा सिंह और सकीना की सुपरहिट जोड़ी लोगों को इम्प्रेस कर रही है। सोशल मीडिया पर सनी देओल और अमीषा पटेल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक्टर काला कुर्ता पैजामा और पगड़ी पहने तारा सिंह के लुक में नजर आ रहे हैं, तो वही अमीषा पटेल पीच कलर की साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। सोशल मीडिया पर जैसे ही गदर 2 के तारा सिंह और सकीना का ये वीडियो सामने आया, तुरंत ही वायरल हो गया है। फैंस ने दोनों की जोड़ी की तारीफ की और फिल्म के लिए भी अपना एक्साइटमेंट दिखाया है। प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से भारतीय प्रवासियों में उत्साह साफ देखा जा सकता है। वहीं ग्रैमी अवार्ड्स विजेता भारतीय अमेरिकी गायिका फाल्गुनी शाह भी काफी खुश हैं। अपनी इस खुशी को जाहिर करते हुए फाल्गुनी ने बताया कि उन्हें उनके गीत मिलिट्स के लिए पीएम मोदी से खूब तारीफें भी मिल चुकी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के अमेरिका पहुंचने को लेकर यहाँ के प्रवासी भारतीय बेहद खुश हैं। फालू के नाम से प्रसिद्ध फाल्गुनी शाह को ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में दूसरी बार बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम कैटेगरी के लिए नामांकित किया गया था। वो एकमात्र भारतीय मूल की महिला हैं जिन्होंने 2 बार ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया। इससे पहले फालू बाजार नामक उनके एल्बम को ग्रैमी अवार्ड्स के 2018 संस्करण में नामांकित किया गया था। हालांकि 2022 में उन्होंने पहली बार ग्रैमी अवार्ड जीता। आज की खबरें, ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। नमस्कार। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।